अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बियरिंग, और बियरिंग में भी हम लोग करने वाले हैं क्या? बोले सर कॉलर बियरिंग। डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है तो आधे से ज्यादा लोग पहचान गए होंगे कि सर आज हम लोगों को कॉलर बियरिंग पढ़ाने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में क्या क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि सर व्हाट आज हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉलर बियरिंग, कॉलर बियरिंग क्या होता है, एंड डिजाइन इक्वेशंस ऑफ कॉलर बियरिंग, जो कॉलर बियरिंग की डिजाइन इक्वेशंस कौन कौन सी आती हैं, और हम लोग हाउ द कॉलर बियरिंग इज डिजाइन। तो ये तीनों जो पॉइंट है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, क्लियर है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट ईच एंड एवरी डाउट आप लोगों का क्लियर हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलर क्लासिफिकेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपका कॉलर बियरिंग है इट इज व्हाट, मेरा बच्चा इट इज व्हाट? बोला सर इट इज अ कॉलर बियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कैसा बियरिंग है ये? बोला सर दिस इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। गॉट इट? कैसा बियरिंग है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हम इसको बोलते हैं। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर भी कौन सा बियरिंग? बोला सर इट इज द स्लीव बियरिंग। दो टाइप के होते हैं, अगर किसी ने क्लासिफिकेशन अगर नहीं पढ़ी है तो मेरा बच्चा क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। कॉलर बियरिंग इज ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर भी कौन सा बियरिंग हम लोग बोलेंगे? बोला सर इट इज द स्लीव बियरिंग। और स्लीव बियरिंग के अंदर भी बोला सर हम लोग क्या बोलेंगे? बोला सर इट इज द एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग। एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग। और बोला सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग में भी हम लोग क्या बोलेंगे? बोला सर दीज आर द बियरिंग विच आर यूज टू सपोर्ट द बताइएगा जरा, सपोर्ट द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स या वर्टिकल शाफ्ट्स? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं, बोला सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग के अंदर हमारे पास आता है बोला सर कॉलर बियरिंग, और ये जो बियरिंग है आर यूज टू सपोर्ट बोला सर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स। हॉरिजॉन्टल लोड आप कह सकते हैं या हम लोग शाफ्ट्स बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बात है शाफ्ट्स में वेट होता है, लोड होता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, एक बार मैं फिर से बता दी कि सर कॉलर बियरिंग क्या है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं बोला सर बेसिकली जो कॉलर बियरिंग है वो हम लोगों को किस तरीके का दिखाई देता है। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, सबसे पहली बात मैंने यहां है बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज डब्ल्यू लोड। इट इज व्हाट? बोला सर इट इज लोड। लोड इज व्हाट? अलोंग द एक्सिस। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने फिक्स पार्ट किया हुआ ये आपका क्या है? बियरिंग। और हम लोग कह दें कि सर दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज माय कॉलर। ये आपका क्या होगा? बोला सर ये आपका कॉलर होगा। तो एक कॉलर है तो दैट मींस ये क्या है? बोला सर दिस इज द सिंगल कॉलर। तो हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? बोला सर सिंगल कॉलर की बात करेंगे। अभी हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? फॉर सिंगल कॉलर के लिए। बाद में दैट मींस मल्टी कॉलर क्यों पिक्चर में आया, ईच एंड एवरीथिंग में आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्या है आपका? बोला सर सिंगल कॉलर है। तो सिंगल कॉलर के अंदर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा सर दिस इज कॉलर, और ये मेरी क्या है? बोला सर दिस इज शाफ्ट, जिसको मुझे क्या करना है, जिसको ये बियरिंग, जिसको ये कॉलर, जिसको ये बियरिंग क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा, दैट मींस सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इस शाफ्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बोला तो सर ये मेरी क्या है? बोला सर इट इज द इंटरनल रेडियस। गॉट इट? और ये मेरी क्या हो जाएगी? बोला सर इट इज द आउटर रेडियस। गॉट इट? ऑब्वियसली बात है जब इसके साथ अटैच है तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द इनर रेडियस एंड दिस इज द आउटर रेडियस। तो बोला सर इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस के बीच में एक टॉप एक दैट मींस बी आता है, जिसको आप क्या बोलोगे? बोला सर इट इज बी। बी इज व्हाट? बी इज व्हाट? बोला सर बी इज व्हाट? विड्थ ऑफ द कॉलर। आपने कैसे निकाला? दैट मींस देयर इज अ आरओ माइनस आरआई। तो ये आपका क्या हो गया? बोला सर इट इज द विड्थ ऑफ द कॉलर। ठीक है?
और ये दैट मींस ये मत सोचना कि सर ये दैट मींस क्या कर रहे हैं बेटा, कई बार पूछ लेता व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कॉलर, तो आप विड्थ ऑफ द कॉलर कैसे निकाल सकते हैं, बोले सर हम विड्थ ऑफ द कॉलर दैट मींस आर ओ माइनस में आ रहे हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करके दैट मींस विड्थ ऑफ द कॉलर निकाले सर, ठीक है। यहां पर भी नीचे मैंने आप लोगों को दैट मींस कुछ दिखाया हुआ है, ये क्या है, बोले सर इट इज टी, टी इज वॉट, बोले सर इट इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, टी हम लोग क्या कहेंगे, टी इज वॉट, टी इज थिकनेस ऑफ कॉलर, जो कॉलर आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली थिकनेस है, क्लियर है। अब हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, जैसे ही मैंने आप लोगों को यहां पर आप लोगों को साइड व्यू दिखाया, अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है बेटा हम लोगों को ये कैसा दिखाई देगा, हम लोगों को कैसा दिखाई देगा, बोले सर ये हमारे पास क्या होगा, दैट मीन देयर इज अ आरओ, ये क्या होगा आपका आरओ, और ये मेरा क्या होगा, बोले सर देयर इज अ आरआई, गॉट इट, तो दिस इज आरआई, इट इज माय शाफ्ट, ये क्या है मेरी शाफ्ट है, और ये क्या है आपका, बोला सर देयर इज अ कॉलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा बीच वाला पार्ट, बोला सर ये मेरा कॉलर है, क्लियर है, ऑब्वियसली बात है। अब आप देखिएगा कि बोला सर अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कॉलर है, ये जो आपका कॉलर बियरिंग है, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द लो हॉरिजॉन्टल लोड, तो जब मैं आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा बेटा, ये आपकी शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट है, इधर से आपका W लोड दैट मींस लग रहा है, जब ये लोड लग रहा है और ये बियरिंग है, एंड बियरिंग इज स्टेशनरी, आप लोगों को पता है दिस इज व्हाट, बोले सर दिस इज स्टेशनरी, ये नीचे लिखते हैं हम, ये बियरिंग आपका दिस मेल मैंने बना रखा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी, ये जब स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये क्या करेगा, बोले सर इट इज यूज्ड टू सपोर्ट और देन प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन, जब बेटा रिलेटिव मोशन होगा, जब यहां पर आप लोगों का रिलेटिव मोशन होगा, ऑब्वियसली बात है रिलेटिव मोशन होगा, तो दैट मींस हम दो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शन, ये आपका क्या है, बोला सर ये कॉलर है, ये मेरी क्या हो गई शाफ्ट हो गई, ये क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, यहां रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बोला सर फ्रिक्शन होगा, होगा ना, बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात, ऑब्वियसली बात है, बोला सर ये जो कॉलर आपने यहां पर बनाया है, ये बियरिंग क्या कर रहा है, ये जो कॉलर क्या कर रहा है, इस लोड को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा बच्चा ये पेन है, पेन की कैपेसिटी है कितने लोड तक, दैट मींस इसको ये बियर कर सकती है ना, बोला सर हाँ, तो ऐसा ही बोला सर यहां पर भी होगा कि सर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लोड दैट कैन बियर बाय दिस कॉलर, कि सर वो मैक्सिमम लोड कौन सा होगा या कितना होगा जो ये कॉलर सहन कर सकता है, तो इसकी हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। होप्स हम लोगों को कैलकुलेशन कर सकते हैं, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता है मेरे बच्चे दैट मींस व्हाट, बोले सर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लोड दैट कैन बियर, तो लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डब्ल्यू, लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डब्ल्यू, क्लियर है। तो हम लोगों को कैलकुलेशन किसकी करनी है कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बियर दिस बियर बाय दिस कॉलर, क्लियर है। अब एक बात, अब ऑब्वियसली बात है आप लोगों को पता है कि सर ये मेरा कॉलर है, ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरा कॉलर है, ये मेरी शाफ्ट है, तो जब आप इधर से लोड लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉलर भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, ऑब्वियसली बात जब इक्वल फोर्स लगा रहा है तो मैं यहां पर क्या होता है, देयर इज अ प्रेशर फोर्स होगी, बोले सर हाँ, तो हम लोगों को यह भी देखना है कि सर व्हाट शुड बी द प्रेशर फोर्स, ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रेशर जो एक कॉलर लगाता है, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि सर लोड लग रहा है तो हमारे पास प्रेशर भी होगा, तो अगर मैं लोड निकाल लूं तो बेटा यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर देयर इज अ पी इनटू व्हाट, बोले सर देयर इज अ एरिया, पी इनटू व्हाट, देयर इज अ एरिया, और अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा पी इनटू पी इज व्हाट प्रेशर और एरिया, दैट मींस हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर एरिया हम लोग ले लेंगे व्हाट, बोले सर देयर इज अ पाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर देयर इज अ पाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, जो होगा वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोड निकाल सकते हैं, तो प्रेशर इनटू एरिया आप लोग लोड निकाल सकते हैं, गॉट इट, बोले सर हाँ। एक चीज सुनिए, अब दूसरी बात हम लोग बोल रहे हैं कि सर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बियरिंग एंड शाफ्ट, ठीक है, जब रिलेटिव मोशन है तो ऑब्वियसली बात है बेटा यहां पर क्या होगा, बोले सर फ्रिक्शन होगा, जब यहां पर फ्रिक्शन होगा मैं कह दूंगा सर देयर इज अ फ्रिक्शन, यहां पर क्या है, बोले सर यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर क्या है, बोले सर सपोज दैट हम लोग बोलते देयर इज अ फ्रिक्शन, यहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों का फ्रिक्शन हो रहा है, जब फ्रिक्शन होगा तो दैट मींस ये क्या करेगा, बोले सर देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन भी यहां पर होगी, और जब फ्रिक्शन है तो हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि सर जब फ्रिक्शन आ गया मेरा इनटू पिक्चर
दैट मींस जब मेरा फ्रिक्शन आ गया तो सर फ्रिक्शन मेरा क्या करेगा, बोले सर देयर इज अ पावर लॉस। फ्रिक्शन मेरा क्या कर देगा, बोले सर पावर को लॉस कर देगा, क्योंकि शाफ्ट इज यू शाफ्ट आर यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द पावर, और बोले सर दोनों पे अगर वहां पर फ्रिक्शन है तो वो पावर को क्या कर देगी, लॉस कर देगी। जब लॉस करेगी तो ऑब्वियस सी बात हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि सर व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पर आ रही है। और जब फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है भाई पावर है, तो पावर हमारा क्या होता है, बोले सर देयर इज अ टी इनटू व्हाट आर, T into what and T is what, बोला सर it is a torque। तो friction है तो हम लोग हमारा क्या होगा, बोला सर there is a frictional torque होगा। तो जब friction है तो हमारा क्या होगा, बोला सर there is a frictional torque भी यहाँ पर होगा। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर सारी चीज़ देखता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोला सर हम लोगों ने लोड निकाला there is a P into pi RO minus में RI, और बोला सर अगर मैं friction torque वगैरह निकालता हूँ, अगर मैं friction torque वगैरह निकालता हूँ तो भी सर मुझे क्या क्या, क्या जरूरत पड़ेगी कि बोला सर मैं यहां पर देख सकता हूं कि सर जो भी मेरा फ्रिक्शन हो रहा है या जो भी मेरा प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर जो है वो मुझे ये नहीं पता कि सर इस पूरे के पूरे में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। कि अगर मैं बोलना चाहता हूं भाई आप यही वाला पार्ट ले रहे हो ना, सॉरी आप यही वाला पार्ट लेकर चल रहे हो ना, बोले सर यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग दैट मीन्स निकाल रहे हैं कि सर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। तो मैं मान के चलूं कि इस पूरे के पूरे कॉलर में इक्वल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, बोला यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट होगा, बोला सर हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है सर प्रेशर वेरी भी कर रहा हो सकता है प्रेशर क्या कर रहा हो, बोला सर कॉन्स्टेंट भी हो। क्लियर है भाई, हमको नहीं पता है, क्योंकि सर हमको नहीं पता है कि सर ये जो विड्थ ऑफ द कॉलर जितनी है यहां पर प्रेशर कितना होगा और कितना नहीं होगा। भाई कांस्टेंट भी हो सकता है वेरी भी कर सकता है। सो दैट हम लोगों ने यहां पर क्या किया बेटा, हम पूरे का कॉलर का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, कंसिडर एंड एलिमेंट्री स्ट्रिप। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। जब हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करेंगे मेरे बच्चे, तो हम लोगों को दैट मींस क्या पता चलेगा कि सर उस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर हम लोग मान सकते हैं कि सर प्रेशर हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो भी हम स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या मान के चलेंगे, उसकी थिकनेस क्या मान के चलेंगे, सर उसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उसकी थिकनेस हम लोग क्या मान के चलेंगे, सर उसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और उसका जो रेडियस होगा, उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा, बोला सर देयर इज अ आर रेडियस की होगी वो। क्लियर मेरे बच्चे। तो हम लोगों ने क्या की, हम लोगों ने बेटा एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर की, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर की जिसकी थिकनेस क्या है मेरे बच्चे, दैट मीन देयर इज अ dr है, ठीक है, और जिसका रेडियस जो है दैट मीन फ्रॉम सेंटर से वो क्या है, बोले सर देयर इज अ r, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाई, ठीक है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को स्ट्रिप दिखाई दी, ये वाली जिसको मैं येलो कर रहा हूं, मैंने क्या किया, बोला सर एक ये स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसकी मैंने थिकनेस क्या मानी, dr मानी, और जो रेडियस क्या है, बोला सर उसकी r है। तो ऑब्वियस सी बात है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लोगों ने क्या कर ली, कंसिडर कर ली, जिसकी थिकनेस क्या है, dr है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर हम मान सकते हैं कि बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा देयर इज अ स्मॉल फ्रिक्शन होगा, और जो प्रेशर हम लोग मान सकते हैं वो क्या मान सकते हैं, दैट मींस कांस्टेंट होगा। तो अब यहां से हम लोग क्या करके चलते हैं बेटा, कैलकुलेशन करने चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, बोले सर देयर इज अ एलिमेंट्री स्ट्रिप, देयर इज अ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एक क्या है एलिमेंट्री स्ट्रिप है, जब एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस क्या है, एलिमेंट्री स्ट्रिप थिकनेस dr एंड रेडियस इज r। तो आपने क्या किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर कर ली और हम लोग बोलेंगे उसके रेडियस r है और उसकी थिकनेस क्या है, dr है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, सो दैट मुझे ये हो कि भाई किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बोले सर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप,
एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो अब ऐसी बात है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का आप एरिया मुझे बता सकते हैं? बोले सर बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रिप को तोड़ लेते हैं तो अब ऐसी बात है, अगर मैं ये चक्कर है इसको तोड़ लूंगा तो क्या बन जाएगा, एक पूरी लेंथ की मेरे पास पतली सी एक स्ट्रिप बन जाएगी। तो पतली की स्ट्रिप की अगर मैं निकालू तो मैं बोल सकता हूं देयर इज लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बोले सर यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, बोले सर देयर इज अ स्मॉल एरिया डी ए, क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई आर डी आर। बोलिए हाँ या ना भाई, 2 ऑफ आर इसकी क्या परिधि, और दैट मीन देयर इज अ डी आर। तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या आया, बोला सर देयर इज अ 2 पाई आर इनटू डीआर, आपने एरिया निकाल दिया। अब इस एरिया में हम लोगों को पता है कि सर दिस इज द स्मॉल इंटीम एरिया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोला सर देयर इज अ स्मॉल लोड, हम लोग निकाल सकते हैं कि सर लोड कितना लग रहा होगा, बोले सर बिल्कुल। तो लोड हम निकालेंगे तो पी क्या आ जाएगा, पी इंटू डी ए, देयर इज अ पी इंटू डी ए, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर जो एरिया है वो क्या होगा, बोले सर पी इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू मैं यहां पर क्या पुट करूं, बोला सर इट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप लोड निकालना चाहते हैं, इट इज द स्मॉल लोड जो वो स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें टोटल लोड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बोले सर देयर इज अ टोटल लोड, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर आई विद रिस्पेक्ट टू आर ओ। तो यहां पर क्या हो गया, बोला सर प्रेशर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। होप्सो यहां तक चीजें क्लियर है, होप्सो यहां तक आपको चीजें क्लियर है, बोले सर हाँ ये चीज मेरे पास आ गया, बोले सर मैं लोड यहां से निकाल सकता हूं कि सर लोड जो आएगा टोटल इस पर जो लोड लग रहा है वो क्या आएगा, P into 2 pi R into dr, क्लियर है। अब सुनिए आगे, अब हम लोगों को पता है कि बोले सर यहां पर हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं बोले सर फ्रिक्शन फोर्स की, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालू तो मैं क्या निकालूंगा, बोले सर इट इज म्यू इंटू आर एंड इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वॉट, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वॉट, That means this is normal reaction. तो normal reaction आपकी किसके equal आएगी? बोला सर, it is what? बोला सर, it is del W के equal. तो हम लोग क्या सकते हैं? Mu into what? बोला सर, it is del W. तो आप लोगों को पता है del W आपका क्या है? बोला सर, it is mu into del W. आपने क्या निकाला? Del W आपने क्या निकाला बच्चे? Del W आपने क्या? 2 p into 2 pi r into dr. Clear है? तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं डेल डब्ल्यू की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, और बस ही बात है जब आप लोगों को पता है कि आपकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट इज रोटेटिंग इन दैट साइड, और जो फ्रिक्शन आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, बोला सर इस साइड आ रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मेरा इस साइड है और मेरी जो रोड है वो क्या कर रही है, घुमाए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क, देयर इज अ फ्रिक्शनल टॉर्क, कितना पावर मेरा लॉस हो रहा है। तो अगर मैं यहां से बेटा हम क्या करूं, बोले सर अगर मैं फ्रिक्शनल टॉर्क निकालू, अगर यहां से भी क्या आएगा df, तो ये क्या आ जाएगा dtf, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज df फ्रिक्शनल फोर्स इनटू व्हाट, बोले सर देयर इज अ r, हम एलिमेंट्री स्ट्रिप में निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो यहां से अब जब आप क्या करें, यहां से अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास आ गया क्या, बोले सर इट इज dtf इज व्हाट, बोले सर इट इज व्हाट d फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r, फ्रिक्शनल फोर्स आप क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स आप क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स में लिख सकते हैं बोले सर इट इज म्यू इनटू dw इनटू r, और dw आप क्या लिख सकते हैं बेटा, dw आप क्या लिख सकते हैं, dw आपका हो गया म्यू इनटू dw इज व्हाट, बोले सर इट इज p इनटू 2 पाई r इनटू dr एंड इनटू r, क्लियर है। ये r आपका फ्रिक्शनल टॉर्क का है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, बोले सर dtf मेरा इतना आ गया। अगर मैं टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना चाहूं, जो मेरा लॉस हो रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, अगर मैं वो निकालना चाहूं तो बेटा मैं क्या करूंगा, बोले सर इट इज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर आई से लेके आर ओ, दैट मींस देयर इज अ म्यू इनटू पी इनटू 2 पाई आर ओ आर स्क्वायर इनटू डीआर। होप सो बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बोला गुरुदेव कि सर अगर मैं लोड निकालना चाहूं कि कितना मैक्सिमम लोड एक कॉलर बियर कर सकता है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। और बोला गुरुदेव अगर मैं फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना चाहूं एक कॉलर पर कितना फ्रिक्शन टॉर्क हो रहा है, तो इक्वेशन मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। गॉट इट मेरे बच्चे? तो इन्हीं इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे पास क्या आया, बोले सर इट इज डेल डब्ल्यू आर आई इंटू आर ओ पी 2 pi r into dr. This is the first equation. ठीक है?
राइट, ये आपका ये आ गया, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था, बोले सर इट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बोले सर देयर इज अ आर आई आर ओ, दैट मींस व्हाट, बोले सर म्यू पी टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आ गया, बोले सर बिल्कुल ये आ गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है, बोले सर फ्रिक्शनल टॉर्क के बारे में बता रही है, और ये मुझे बता रही है बोले सर देयर इज अ मैक्सिमम लोड के बारे में, क्लियर है। तो सर मेरे पास जब इक्वेशन आ गया तो मैं इनका क्या कर सकता हूं, मैं इनका क्या कर सकता हूं, बोले सर मैं इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। क्लियर। तो हम इसकी जब कैलकुलेशन कर सकते हैं तो अब हमको क्या चाहिए, बोले सर जब इंटीग्रेट करना है तो आप लोगों को पता है कि सर लोड के अंदर में P into 2 pi R into dr and it is P into dr। अब मुझे बताइए P is what, बोले सर P is pressure। यहां पर जो P है ये क्या है, बोले सर प्रेशर है, और ये P क्या है, प्रेशर है। तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, आपको पता है कि सर जो मेरा प्रेशर जनरेट हो रहा है, मेरा जो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लोड, आप लोड लगा रहे, आप लोड लगा रहे, जो प्रेशर इंड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कैसे वेरी कर रहा है, आप बता सकते हैं। यही बात मैंने आप लोगों से पहले भी की थी कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो प्रेशर है, हम लोगों को दिक्कत हो जाती है कि सर जो प्रेशर यहां पर आएगा वो सर इस कॉलर की रेडियस, इस कॉलर पर कैसे वेरी कर रहा है, हम लोग नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, बोले सर मैंने दैट मींस एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करी और मैंने ये कैलकुलेशन। तो यहां पर हम लोगों को पता है कि सर प्रेशर का रेडियस के साथ कोई रिलेशन हम लोगों को यहां पर नहीं पता चल रहा है, तो हम तो इसकी डेरिवेशन नहीं कर सकते, क्लियर है। कि हमें यह नहीं पता कि सर ये कॉन्स्टेंट है या वेरिंग है। सो दैट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो थ्योरीज मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, बोला सर दो थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, मानकर चलते हैं। तो लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम टू थ्योरीज, ठीक है। लेट अस अज्यूम टू थ्योरीज। पहली थ्योरी बेटा जिसको आप बोलते हैं क्या, बोले सर देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जिसको आप शॉर्ट में यूपीटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और दूसरा हम लोग बोलते हैं कि बोले सर व्हाट, बोले सर देयर इज अ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, जिसको आप यूडब्ल्यूटी बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो थ्योरीज मानते हैं, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। सबसे ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि सर ये थ्योरी क्यों इजाद हुई, क्यों हम बेसिकली मानते हैं। तो हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है किसकी, लोड की, और बोले सर फ्रिक्शनल टॉर्क की। तो हम लोगों को ये नहीं पता कि सर प्रेशर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा, यहां पर प्रेशर रेडियस के साथ वेरी कैसे कर रहा है कॉलर के अंदर, तो हम लोग इस चीज को नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला गुरुदेव ये माना कि बोला सर जो मेरा प्रेशर है वो क्या करेगा, दो तरीके से वेरी करेगा। तो हम लोग वन बाय वन, दैट मींस मैं आपको बताऊंगा कि सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में कैसे हम लोग इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में कैलकुलेशन करें। और ये दोनों ही थ्योरी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सीधे जो डिजाइन इक्वेशन है वो सीधी की सीधी आपको देखने को मिल सकती है। तो घबराएंगे नहीं, साफ साफ देखेंगे। तो वन बाय वन अभी इस, देखो अगर मैं चाहूं तो ये दोनों
दोनों थ्योरीज एक ही वीडियो में बता सकता हूं, लेकिन एक वीडियो में बताने से दैट मींस मुझे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन दोनों वीडियो, इन दोनों थ्योरी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बोले सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो एक और मैं यहां पर बता देता हूं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, कि सर जो प्रेशर थ्योरी है उसका मतलब क्या है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम लोग बोलेंगे क्या, बोले सर द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट का मतलब द यूनिफॉर्म प्रेशर क्या है, द प्रेशर इज यूनिफॉर्म, पूरा जो कॉलर है उस पर प्रेशर क्या है, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, पूरे पे हम लोग मान के चलेंगे प्रेशर कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर दूसरे में यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जो प्रेशर है वो आपका क्या कर रहा है, प्रेशर रेडियस के साथ वेरी कर रहा है। तो एडमिशन यहां लिख सकते हैं, बोले सर देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, यहां पर हम कह सकते हैं बोले सर देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, एक में हम लोगों ने माना प्रेशर, एक में हम लोगों ने माना नॉन प्रेशर। अब कई लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों ने यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से बियरिंग को डिजाइन करते हैं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो सर अगर हमें एक्चुअल में दोनों में से एक को डिजाइन करना हो, अगर चलो ठीक आपने बोला कि सर कोई मुझे बोल दे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से डिजाइन करो, तो बोला सर मैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की इक्वेशन लगा दूंगा, बोला सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगा देगा, अगर मुझे दोनों में से कोई भी मेंशन ना हो फिर आपको बियरिंग डिजाइन करना तो हम क्या करें, तो वो भी मैं बताऊंगा। एक बार पहले आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की जो डिजाइन इक्वेशन है एक बार उनसे रूबरू हो लीजिए, फिर मैं वो भी बताऊंगा कि सर आपको कैसे पढ़ना है, क्लियर है। तो हम लोग बस आपको याद रखना है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में इट व्हाट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और इसको अगर मैं ऐसे भी बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, बोला सर पीआर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्लियर है, याद रखिएगा। चले आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं, बोले सर एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो पहली मेरा डिजाइन होगा, बोले सर डिजाइन ऑफ सिंगल कॉलर एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीटी। अब मैं जो भी लिखूंगा वो शॉर्ट्स में लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर लोड निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बोले सर W जो है वो मेरा क्या आया था, बोले सर इट इज इंटीग्रेशन आर आई इंटू आर ओ, इट इज व्हाट, पी इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। तो हम लोगों को पता चल गया सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो बोला गुरुदेव मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, बोला सर हम लोग कह देंगे प्रेशर मेरा यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, एस यू पी टी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, जब इसको हम बाहर ले लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोला सर प्रेशर मेरा बाहर आ गया, दैट मीन्स टू पाई मेरा बाहर आ गया, तो टू पाई के बाहर के बाद आया आपके बाद क्या हो गया, बोला सर इट इज आर स्क्वायर बाई आर, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज आर आई इंटू आर, क्लियर है। अब ये टू से टू आपका कैंसिल हो गया, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी इंटू P into what? बोले सर R square minus में R I square into what? बोले सर pi. Clear है? तो ये मेरे पास क्या आ गया? बोले सर it is W. तो इसको हम लोग साइड में लिखते हैं, इसको हम साइड में लिखते हैं, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? बोले सर W is equals to what? बोले सर pi pi into R O square minus में R I square into what? बोले सर there is a P. क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, अगर आप देखना चाहो तो यहां से आपने लोड की इक्वेशन निकाल दी, अब आप यहां से चाह सकते हो आप प्रेशर इंड्यूस निकाल सकते हो। हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि सर प्रेशर इंड्यूस कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटा कि व्हाट इज प्रेशर, बोला सर प्रेशर इंड्यूस अगर आपको निकालना तो आप कैसे निकाल सकते हैं, बोला सर देयर इज अ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई इनटू आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सर जो प्रेशर इंड्यूस्ड हो रहा था मेरा सिंगल कॉलर में एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी आपका कितना आ गया, एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वो आपका कितना आ गया, बोला सर दिस इज, ये मेरा ये आ जाएगा,
क्लियर है? तो प्रेशर इंड्यूस्ड इज व्हाट, बोले सर दिस डब्ल्यू इंटू पाई आर ओ माइनस में आर आई, क्लियर? गॉट इट मेरा बच्चा? हाँ, अब हम लोग यहां से इतना आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि सर वी आर डिजाइन, वी आर डिजाइन, तो हम लोगों को अब इसी बात से प्रेशर इंड्यूस हम लोगों ने निकाल लिया। अगर मैं बोलना चाहूं कि सर हाउ मच लोड दैट आ कॉलर कैन बियर, तो आप लिख सकते हैं कि सर फॉर सेफ डिजाइन, अगर हम बात करें यहां पर फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, अगर बोला सर मेरा डिजाइन सेफ हो तो मैं क्या लिखूंगा कि सर जो इंड्यूस्ड प्रेशर है मेरा इट इज व्हाट, बोला सर इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, बोला सर परमिसिबल प्रेशर, बोलिए हाँ या ना? बोला सर फॉर द सेफ डिजाइन जो इंड्यूस्ड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, बोला सर पी परमिसिबल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बोला सर पी इंड्यूस कितना आ गया, बोला सर इट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू हम लोगों ने वहां से लिखी, बोला सर इट इज आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, इट इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर इट इज पी परमिसिबल, बोले हाँ है ना? तो मैं कहना सकता हूं जब परमिसिबल प्रेशर इतना परमिसिबल है तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज डब्ल्यू मैक्सिमम लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर इट इज पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर इंटू व्हाट, बोले सर पी परमिसिबल, क्लियर है? तो बोला गुरुदेव यहां से हम लोगों को ये पता चल गया कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलर दैट कैन इट बियर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सर इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलर, तो यहां हम लिख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉलर। तो ये आपके पास क्या आ गया, बोले सर इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलर। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलर, तो आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से बता सकते हैं कि सर ये मैक्सिमम कॉलर है। अगर वो आपको आर आओ दे दे, आर आई दे दे, पी परमिसिबल दे दे, तो आप निकाल सकते हैं कि सिंगल कॉलर कितना लोड बियर कर सकता है। आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर। यही डिजाइन इक्वेशन है मेरे बच्चे जो आप लोगों को डिट्टो थ्योरिटिकली पूछते हैं। मैंने इसको कॉलम में बनाया, स्टार मार्क दे गया, ये इक्वेशन आपसे पूछ लेगा। यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। गॉट इट? यहां तक होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है? बोले सर हाँ। चलिए अब देखिए, क्लियर है? अब आपने प्रेशर इंड्यूस निकाल लिया सारी चीज, अब हमको ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली है, बोले सर इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी कैलकुलेशन आती है किसके लिए, बोले सर फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए। अब इसी बात है, हम लोगों को इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, तो बोले सर अब हम लोग यहां पर इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखिए, तो मेरे पास जो फ्रिक्शनल टॉर्क आया था, फ्रिक्शनल टॉर्क बेसिकली क्या था बोला गुरुदेव, TF is equal to what? बोले सर इंटीग्रेशन आर आई इंटू आर ओ पी टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और एक और चीज हम भूल गए, दैट मीन देयर इज अ म्यू, यही था। तो हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं सर, एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, सॉरी यूनिफॉर्म, तो हम बोल रहे हैं एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है। अभी आप तो हम लोगों ने बोला सर ये पी जो है, पी इज व्हाट, बोले सर इट इज द प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जब प्रेशर इंड्यूस्ड होगा तो हम लोग इसको प्रेशर इंड्यूस्ड प्रेशर का जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, बोले सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं, बोले सर मेरे पास ये क्या आ गया, इट इज टी एफ इन टू व्हाट 2/3 P है, P मेरे पास क्या है, इसको रख दीजिए पाई। आपके पास इंड्यूस प्रेशर देखो यहां पर क्या आ रहा था, इंड्यूस प्रेशर जो है वो आपके पास क्या आ रहा था, ये आपके पास इंड्यूस प्रेशर आ था, व्हाट बोले सर इट इज W इंटू पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, क्लियर है मेरे बच्चे, यही आपके पास आ रहा है, बोले सर बिल्कुल यही मेरे पास आ रहा है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, बोले सर W डिवाइडेड बाय व्हाट पाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डब्ल्यू इंटू इतना हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब यहां पर लिखना है आपको आर ओ
आर ओ क्यूब इंटू आर आई क्यूब. गॉट इट. ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा आपका पाई से पाई कैंसिल किया. सॉरी, हमने म्यू तो भूल ही रहे हैं. यहां पर म्यू तो यहां भी म्यू आएगा और यहां भी म्यू आएगा. ठीक है, ये भी म्यू आया और आपका ये भी म्यू आ गया. क्लियर है? तो यहां भी हम लोगों ने, हम यहां भी म्यू खा गए, यहां भी आपका म्यू आ गया. तो आपका कैंसिल आउट होने के बाद आप देख सकते हैं बेटा यहां पर जो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क है वो आपका क्या आ जाएगा? बोले सर आपका आ जाएगा म्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन में वॉट 2/3 आर ओ क्यूब माइनस में आर आई क्यूब डिवाइडेड बाय वॉट आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर. क्लियर है? तो ये आपके पास क्या होगा? बोले सर इट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क जो मैंने आपको यहां पर दिखाया. ठीक है, ये आपका क्या है? बोले सर इट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क की ये आपके फ्रिक्शनल टॉर्क की इक्वेशन हो गई. ठीक है, तो जैसा आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि बोले सर हमने मैक्सिमम लोड की इक्वेशन हम लोगों ने देख ली कॉलर बियरिंग के अंदर और इंड्यूस प्रेशर की हम लोगों ने देख ली. तो ये तीनों इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद करनी है. यहीं से कई बार होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोगों से यहां थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल जैसे दे देगा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से जो फ्रिक्शनल टॉर्क है सिंगल कॉलर बियरिंग के अंदर वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि सर दिस. गॉट इट? गॉट इट. अब आगे, अब जैसे जैसे बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे दैट मीन चीजों को थोड़ा सा क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है. कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब आप देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर एक चीज आप लोगों को यहां पर बोलूं, यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को यहां पर बताता हूं. बोले सर क्या ये जो पार्ट है, कई बुक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस इक्वेशन को वो क्या बोल देते हैं? बोले सर इट इज व्हाट? बोले सर इट इज आर मीन. वो क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं दैट मीन देयर इज अ आर मीन. और कई कई जगह इसको बोल दिया जाता है बोले सर देयर इज अ आर इफेक्टिव. इट इज आर मीन और आर इफेक्टिव. क्लियर है? तो आर मीन और आर इफेक्टिव दैट मीन क्या होगा, जब इसको मैंने पूरे को ही मान लिया कि ये आर मीन और आर इफेक्टिव है, तो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क बेसिकली क्या हो गया, तो बेटा मेरा हो गया बोले सर इट इज म्यू इनटू व्हाट डब्ल्यू, म्यू इनटू व्हाट इट इज डब्ल्यू, और ये आपका क्या हो गया बोले सर इट इज आर इफेक्टिव. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर जो आर इफेक्टिव है एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, सॉरी एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, वो आपका क्या है आप बता देंगे इट इज 2/3 आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब इंटू आर ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर. तो कई बार बोल दिया जाता है कि सर व्हाट इज आर इफेक्टिव, तो आर इफेक्टिव यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में अलग होगा और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में आपका अलग होगा. तो कई बार ऐसे दे देते हैं, तो ये आर इफेक्टिव का मतलब आपका क्या है, ये है. तो पूरी इक्वेशन आपको ये याद करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये वैल्यू पूरी है इसको इसने आर मीन और आर इफेक्टिव माना है. गॉट इट? ठीक है, ठीक. अब कहेंगे सर ये क्या है बेसिकली आर इफेक्टिव और जो आर रेडियस है वो क्या है? बेसिकली बेटा ये वो रेडियस है, ये जो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो अब ऐसी बात है भाई किसी रेडियस का तो आपका आउटर या आपके पास इंटरनल रेडियस है, आउटर रेडियस है. ठीक है, तो कहीं जो रेडियस है उसमें कहीं तो दैट मीन एक वैल्यू होगी ना कि हाँ भाई आपने ये रेडियस ली, तो आप आर ओ भी लेंगे आर आई भी लेंगे. यहां पर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक मीन रेडियस आ जाएगी कि इस रेडियस पर जो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क है वो इतना होता है. तो इट इज द सरफेस, ये हम लोग कह देंगे कि इट इज द फ्रिक्शनल सरफेस रेडियस, इट इज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शनल सरफेस. ये वो रेडियस है कि जहां पर फ्रिक्शनल सरफेस आपको मिल जाएगा एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. और कुछ नहीं फंडा इसका, वैसे तो छोटा करके दैट मींस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें बना दी है. क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं की पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं. ये जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन की, बोले सर किसकी कैलकुलेशन है ये किसकी कैलकुलेशन है? बोले सर इट इज द सिंगल कॉलर बियरिंग की. ठीक है, तो अभी मैंने विड्थ और थिकनेस की कैलकुलेशन अभी मैंने नहीं की है. एक बार मैं दोनों थ्योरीज एक बार आप लोगों को पढ़ा दूं, फिर मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को क्लियर होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी. तो अब इसमें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है ये आप लोगों को देखना है. सबसे पहले तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर दो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एक यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या है? बोले सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. क्लियर, ये आपको याद रखना है.
दूसरा हम लोग कह देंगे कि सर अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लेकर चलते हैं तो प्रेशर इंड्यूस की इक्वेशन क्या बनेगी, और सर ये बनेगी W अपॉन में पाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम लोड, एक जो स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल कॉलर क्या हो सकता है, मतलब हम कह सकते हैं पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर इंटू पी परमिसिबल, क्लियर है। उसके बाद हम लोग कह देंगे सर फ्रिक्शनल टॉर्क क्या आएगा, आप कह देंगे म्यू डब्ल्यू इंटू टू बाई थ्री आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब अपॉन में आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई क्यूब, और इसको हम लोगों ने इस पूरे को हमने क्या माना, इस आर्मी, तो ये आपकी है, क्लियर है। यही आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहीं से आपको न्यूमेरिकल है। एक बार मैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी खत्म कर दूं, उसके बाद मैं एक आधा न्यूमेरिकल भी आपको दिखा दूंगा, एक आधा मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, सो दैट आपको क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।